हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर कंपोजिशन आर्ट होता क्या है। तो गाइस, आपने हर जगह वीडियोस देखी होगी, लेकिन गाइस मेरे को अभी तक इसकी एक पर्टिकुलर वीडियोस नहीं मिली यूट्यूब पर भी। तो गाइस, मैंने इस पर इसके बारे में बहुत सर्च करा, जैसे आप देख सकते हो मोबाइल स्क्रीन पर। मैंने इसके बारे में बहुत सर्च करा, व्हाट इज़ कंपोजिशन आर्ट, ये वो मैंने अच्छी सर्च करी, लेकिन गाइस इससे मुझे इतना समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा चलो एक बार इसको देखता हूँ कि मतलब मैंने इसको पहले पूरा पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज की इस वीडियो में आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, कंपोजिशन आर्ट और कंटेम्प्रेरी आर्ट में काफ़ी अंतर होता है। कंटेम्प्रेरी आर्ट आपने सुना ही होगा, कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब जैसे किसी का आपने फेस बनाया, उसकी आँख कहीं और, नाक कहीं और, मुंह कहीं और, होठ किधर और, ऐसे मतलब पेंटिंग बन जाते हैं। लेकिन गाइस, कंपोजिशन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ह्यूमन फिगर्स मतलब लाइन अच्छे से बनानी पड़ती है। और गाइस, कंपोजिशन आर्ट में एक बात बहुत सही है कि उसमें कम से कम 4 ह्यूमन फिगर्स तो ड्रॉ होनी ही चाहिए, अगर इससे कम हुई तो वो कंपोजिशन आर्ट नहीं मानी जाएगी। तो गाइस, अगर आप BFA करना चाहते हो या फिर आपको BFA में एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसमें भी मतलब यही मांगते हैं कि कंपोजिशन आर्ट आप पेंटिंग बना के लाओ। एक्चुअली इससे होता क्या ना, जो हमारा ब्रेन का टेस्ट होता है, मतलब इससे कि हमारी सोच जो है वो रंगों को लेकर कितनी बड़ी है, इसी बारे में सोच होता है। मतलब जैसे स्टिल लाइफ हो गया, कंपोजिशन आर्ट हो गया, इन सब के बारे में। तो गाइस, आप एक चीज़ नोटिस करना कि टेस्ट आपका इन्हीं 2 चीज़ों को ले जाता है, ना कि आपका कंटेम्प्रेरी आर्ट का, क्योंकि कंटेम्प्रेरी आर्ट तो कैसी बना दो वो कंटेम्प्रेरी आर्ट ही कहलाएगी। भले ही आप एक डंडा बना दो और उसको कुछ ऐसे ऐसे कर दो, वो कंटेम्प्रेरी आर्ट कहलाएगी। अगर गाइस आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंपोजिशन आर्ट के बारे में अच्छे से जानना है, तो आपको दिल्ली के आर्ट गैलरी में जाना पड़ेगा। वहाँ मतलब हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो आपको वहाँ जाके मतलब आपको हर चीज़ मालूम पड़ जाएगी। वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की है, राजा रवि वर्मा की, हर सभी की पेंटिंग है, मतलब वहाँ पर एक से एक पेंटिंग है। अगर गाइस आप रविंद्रनाथ टैगोर जी की पेंटिंग देखोगे, तो आप देख के बोलोगे कि यार मतलब इसकी पेंटिंग क्यों रख रखी है आर्ट गैलरी में। गाइस मतलब उनकी पेंटिंग्स कैसी है कि मतलब जैसे एक लाइन खींच दी, या फिर एक लाइन के ऊपर एक लाइन और खींच दी, बस ऐसी उनकी पेंटिंग्स है। और गाइस, उनकी पेंटिंग इतनी फेमस है कि आप यकीन नहीं मानोगे। तो गाइस मतलब कंपोजिशन आर्ट का मतलब यही होता है कि जैसे आसमान होता है, आसमान में हम देखते हैं कि आसमान का जो रंग है वो पूरा नीला है, बट एक्चुअली नीला कलर नहीं होता आसमान का। किसी भी चीज़ का कलर जो हम सोचते हैं वो उससे उल्टा ही होता है। हमारे फेस का कलर हमसे उल्टा होता है, हम जो सोचते हैं हमारा फेस कलर ये है, लेकिन कुछ और निकलता है। तो यही होता है, आसमान में हर तरह के रंग मिक्स होते हैं। जैसे आसमान में येल्लो रंग भी मिक्स होता है, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, हर एक चीज़ मिक्स होती है आसमान में, हमें पता भी नहीं होता कौन सा कलर मिक्स है। तो इसलिए गाइस कंपोजिशन आर्ट में मतलब कलर्स का टेस्ट होता है कि आपकी जो सोच है वो कलर्स को लेकर कितनी बड़ी है। तो गाइस इसलिए कहा जाता है कि जो आर्ट होती है ना, वो हर चीज़ से बड़ी होती है आर्ट, क्योंकि मतलब ये नहीं होता कि आर्ट में मतलब कि आप प्रैक्टिस करते रहो। आर्ट हमारी सोच पर निर्भर करती है कि हमारी सोच जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी हमारी आर्ट होगी। और गाइस, कंपोजिशन आर्ट में एक बात और अच्छी है कि इसमें मतलब ह्यूमन फिगर के साथ साथ आपको हर चीज़ बनाने को मिली जाती है। गाइस, कंपोजिशन आर्ट में एक्चुअली एक चीज़ और है कि इसमें आप कार्टून फेस ड्रॉ नहीं कर सकते हो। जैसे आपने नोबिता ड्रॉ कर दिया, फिर उसके बाद उसमें कलर कर दिया, तो इसमें मतलब एक कार्टून फेस ड्रॉ नहीं किए जाते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गाइस, कंपोजिशन आर्ट में बस ब्लैक कलर यूज़ नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि ब्लैक कलर, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाकर देख सकते हो। तो गाइस, तभी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ब्लैक कलर जो होता है ना वो ज़्यादा लाइट अब्जॉर्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कभी नोटिस करना कि आपकी गली मोहल्ले में क्या किसी का घर ब्लैक है, नहीं है। अब तो गाइस टंकी है, जो पानी टंकी होती है वो तो अब आधे लोग रंग बिरंगी लगवाते हैं, ये नहीं कि ब्लैक लगवा दिए, क्योंकि गाइस ब्लैक कलर होता क्या है एक्चुअली ना, ब्लैक कलर ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से जो गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप गाइस कभी ना ब्लैक कलर अपने पूरे घर में करवाना, मतलब एक्सपेरिमेंट करें कभी अपने पूरे घर में करवाना, उसके बाद आप देखना कि आप लाइट खोलना तो गाइस आपको लाइट ना बहुत कम दिखाई देगी। अगर इसके मतलब एकदम अपोजिट वाइट कलर होता है, वाइट कलर आप कहीं भी करा दोगे, वाइट कलर ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, वो लाइट को इक्वली स्प्रेड कर देता है, मतलब घर पर रोशन जगमगा जाता है। तो इसलिए गाइस कहा जाता है कि किसी पेंटिंग में ब्लैक कलर की एकदम मनाही होती है, ब्लैक कलर बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता। तो गाइस इस वीडियो में मतलब मैंने आपको ऐसी बताई कंपोजिशन आर्ट के बारे में। कंपोजिशन आर्ट में आपको ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करने होते हैं, बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल करना होता है, और कंपोजिशन आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट से काफ़ी अलग होती है। तो गाइस मतलब इसी वीडियो में मतलब मैंने आपको हर चीज़ बताई जो बेसिक है, मतलब मैंने आपको इसके तरह नहीं बताया कि मतलब आप इसमें क्या क्या लिख देते हैं, हिस्ट्री ये सब लिख देते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा लेकिन गाइस ऐसा मतलब आपको मतलब जो मोटी बात है इसकी वो मैंने आपको बता दी कि इसमें ब्लैक कलर यूज़ नहीं होता, ह्यूमन फिगर्स इसमें सबसे बड़ा रोल होता है, और आपको बहुत सारे कलर इस्तेमाल करने होते हैं।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहा करे। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।